ओके स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। हम लोगों ने 11th क्लास में एक्सपेरिमेंट फर्स्ट और एक्सपेरिमेंट टू परफॉर्म कर लिया था। एक्सपेरिमेंट फर्स्ट था हमारा टू मेजर द लेंथ विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर, है ना। हमने डायमीटर फाइंड किया था स्फेरिकल बॉडी का विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर। द सेकेंड एक्सपेरिमेंट ऑफ अवर फिजिक्स सिलेबस वॉज टू मेजर द डायमीटर ऑफ अ नेल यूजिंग स्क्रू वॉच। वर्नियर कैलिपर के बारे में जान लिया था, स्क्रू वॉच के बारे में जान लिया था। आज हमें एक स्फेरिकल बॉडी का रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है। ये वो स्फेरिकल बॉडी है बेटा जिसका हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ अ डिवाइस नोन एज स्फेरोमीटर। इस डिवाइस की हेल्प से मुझे इस स्फेरिकल बॉडी का रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है। मेरी बात समझ में आ रही है? एम अच्छे से, एम क्या है हमारा? हमारा एम है to determine the radius of curvature of given spherical surface by spherometer. अभी spherometer क्या होता है मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। apparatus required क्या क्या है मुझे इस experiment के लिए? एक मुझे spherometer चाहिए, एक convex surface मैंने रखी है spherical surface, और एक glass slab। ये तीन चीजें मुझे इस experiment को करने के लिए चाहिए, ठीक है। Now talking about observation part, कैसे इस experiment को करेंगे। एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन और फॉर्मुला यूज बताने से पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा डिवाइस के बारे में बता दूं अच्छे से कि डिवाइस होती क्या है, ठीक है। हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखेंगे, बहुत माइक्रोस्कोपिक डिवाइस है। इस डिवाइस को बोलते हैं हम लोग स्फेरोमीटर। इस स्फेरोमीटर में हमारे पास में फोर लेग्स होती हैं, तीन लेग हमारी फिक्स होती हैं और एक हमारी मूवेबल लेग होती है। इसको हम इस स्क्रू की हेल्प से मूव करा सकते हैं, दिख रहा है बेटा अच्छे से, ये मूव कर सकती है, ये तीनों फिक्स हैं। अच्छा, इस डिवाइस में हमारे पास में बेटा दो तरह के स्केल यूज होते हैं। वन स्केल इज लीनियर स्केल एंड अनदर वन स्केल इज सर्कुलर स्केल। अच्छे से देखो, लीनियर स्केल जिसमें डिवीजन हो रखे हैं लीनियर स्केल पे, और दिस इज अवर सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल में हम जीरो से स्टार्ट करके 10, 20, 30 कहाँ तक जा रहे हैं 100 तक। दैट मीन्स सर्कुलर स्केल पे हमारे 100 डिवीजन्स हैं, ठीक है। अवर सर्कुलर स्केल हैज 100 डिविजन्स, क्लियर, ठीक है। कैसे परफॉर्म कराएंगे एक्सपेरिमेंट को? सबसे पहले हम अपने स्क्रू गॉज को, सॉरी स्फेरोमीटर को, इसके ऊपर जो हमारी स्फेरिकल बॉडी है इसके ऊपर डिसाइड कराएंगे लाइक दिस, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा करेंगे, इसके बाद हम अपनी मूवेबल लेग को इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि चारों लेग अपर सरफेस ऑफ स्फेरिकल बॉडी को एग्जैक्टली टच करें। इस बात का कैसे पता चलता है कि ये इसको एग्जैक्टली टच कर रही है? इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग एक पीस ऑफ पेपर लेते हैं और पीस ऑफ पेपर को नीचे से टच करा के देखते हैं। अगर पीस ऑफ पेपर लेग से पार हो जाएगा तो इसका मतलब टच नहीं हो रही है, अदरवाइज हो रही है। क्योंकि मेरा पीस ऑफ पेपर चारों में से एक भी लेग से पार नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये जो लेग्स हैं ये इस सरफेस को एक्जैक्टली टच कर रही हैं, ठीक है बेटा। इतना काम कर लिया, मतलब जिस स्फेरिकल सरफेस की हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करनी है मैंने उसके ऊपर इस डिवाइस को रख दिया। उसके बाद मैंने मूवेबल स्क्रू की हेल्प से जो मूवेबल लेग है उसको टच करा लिया आउटर सरफेस। जब चारों सरफेस पूरी तरह टच हो जाएं तब आप स्क्रू गॉज को ऐसे स्फेरोमीटर को ऐसे उठा लीजिए। उठा लिया आपने स्फेरोमीटर को, अब मैं इसकी रीडिंग देखने बताता हूँ आप लोगों को। अब आप इसकी रीडिंग देखनी सीखो। इसकी रीडिंग देखना कितना आसान है वो समझो बेटा। 0 से 10, 10 से 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 90 के बाद ये देखो सर्कुलर स्केल की कौन सी वैल्यू लीनियर स्केल को एग्जैक्टली कॉन्साइड कर रही है। आई थिंक 94 आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि 94 जो है वो लीनियर स्केल को एग्जैक्टली कॉन्साइड कर रही है। तो जिस पॉइंट पर आपका लीनियर स्केल को सर्कुलर स्केल एग्जैक्टली कॉन्साइड करता है उसे हम लोग कह देते हैं सर्कुलर स्केल की रीडिंग, और उसे हम नाम दे देते हैं ए। सपोज दिस इज ए, ठीक है, सर्कुलर स्केल रीडिंग, मैं इसको नाम दे देता हूँ ए। अभी कैलकुलेशन की पूरी वैल्यू सिखाऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ए की वैल्यू लिख ली और ए की वैल्यू को हम कहीं पर नोट कर लेंगे 94 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? अच्छे समझ में आ रहा है? अच्छा, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है हमारा? एक्चुअली हमें जो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी है उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास में R = L² / 6H + H / 2।
तो इस फॉर्मूले से तुम्हें साफ साफ पता चल रहा है कि यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एल एंड एच फॉर कैलकुलेटिंग द रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर आपके पास एल और एच होगा तभी आप रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको प्रोसीजर सिखा रहा हूँ हाउ कैन यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एच। और एच की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने स्मॉल ए की वैल्यू निकाल ली और स्मॉल ए क्या थी 94 जो अभी मैंने रीडिंग कैलकुलेट करी विद द हेल्प ऑफ स्फेरिकल सरफेस। इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं। अब इस सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, हम इसे उठाकर एक ग्लास स्लैब पर रख लेंगे। अब इसे उठाकर हम लोग ग्लास स्लैब पर रख लेंगे। जब हम इसे ग्लास स्लैब पर रखेंगे, ग्लास स्लैब के ऊपर की जो सरफेस है वो तो प्लेनर है, तो अब क्या चारों के चारों लेग टच कर रही होंगी? नहीं कर रही होंगी। तो अब हमें इसे स्क्रू को मूव कराना पड़ेगा लाइक दिस, ताकि ये जो स्क्रू है डाउनवर्ड होकर अब ग्लास स्लैब की सरफेस को एग्जैक्टली टच कर जाए। चला क्रॉस चेक कर लेते हैं, ये तो टच कर ही जाएंगी। बेसिकली बीच वाली का देखना है कि वो टच कर रही। देखो पेपर निकल जा रहा है, इसका मतलब अभी ये पूरी तरह से टच नहीं की है। थोड़ा सा प्रिसाइज एक्सपेरिमेंट है, लेट्स सी। ओके, अब ये इसको टच कर देंगे। अब एक रीडिंग हम फिर से नोट करेंगे थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके फिर से। तो हम देखते हैं अब मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है, सर्कुलर स्केल की जो रीडिंग आ रही है वो आ रही है 23। इट्स 23 सेंटीमीटर। तो 23 सेंटीमीटर के लिए हम देगा। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात जो हमें देखनी होती है, हम ये चेक करते हैं कि हमारी यहाँ पे जब हमने रीडिंग मेज़र की थी और उसके बाद जब हमने यहाँ रीडिंग मेज़र की, तो क्या इन दोनों तक पहुँचने में, इस स्टेज से इस स्टेज तक पहुँचने में क्या कोई कंप्लीट रोटेशन हुआ? अगर कंप्लीट रोटेशन होता है तो उसको भी नोट करेंगे, अभी बताऊंगा। तो अभी बेसिकली क्या किया, एक वैल्यू मिल गई मेरे को 94, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ स्मॉल ए, और एक रीडिंग मिल गई मेरे को तब, उसे बोलेंगे मैं स्मॉल बी, जो मैंने लीनियर स्केल पे लिया है। अब ऑब्जर्वेशन टेबल देखो एच के लिए। सबसे पहले सर्कुलर स्केल रीडिंग, अब सर्कुलर स्केल की रीडिंग की बात करते हैं, तो कॉन्वेक्स सरफेस पर वैल्यू मिल गई थी 94 और ग्लास सरफेस पर वैल्यू मिल गई थी 23, दैट इज वैल्यू ऑफ ए एंड वैल्यू ऑफ बी। नंबर ऑफ कंप्लीट रोटेशन स्फेरिकल सरफेस से ग्लास स्लैब तक जाने में कोई नंबर ऑफ कंप्लीट रोटेशन हुआ नहीं, तो यहां पर हो जाएगा नहीं। तो सपोज एक हो जाएगी 94, एक हो जाएगी 23 और एक हो जाएगी नील। नाउ देयर इज अ वैल्यू ऑफ एक्स व्हिच इज द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ए और बी का डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे। एंड एट द लास्ट हाउ कैन वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एच, देयर इज अ फॉर्मूला दैट इज n1 into p plus x into lc। समझेंगे ध्यान से, n1 क्या है, n1 है नंबर ऑफ कंप्लीट रोटेशन। नंबर ऑफ कंप्लीट रोटेशन हुए नहीं अभी हमने देखे थे, तो नंबर ऑफ कंप्लीट रोटेशन 0, तो 0 into p become 0, p होती है पिच, कैलकुलेट कराऊंगा अभी। तो ये हो गया 0 plus x यानी कि a और b का डिफरेंस, उसे यहां लिखेंगे। और लीस्ट काउंट होता है स्क्वायरोमीटर का मेरा 0.001 सेंटीमीटर। कैसे कैलकुलेट हुआ बिल्कुल देखते हैं अभी। तो इस तरह से हम h1 की वैल्यू निकाल लेंगे, सिमिलरली सेकंड रीडिंग फॉर h2, थर्ड रीडिंग फॉर h3 और फाइनली इन तीनों का मीन निकालकर हम h की वैल्यू निकाल लेंगे जो हमें इस फॉर्मूले में पुट करने के लिए चाहिए। अब अगर मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए तो मैं h निकाल चुका हूं बच्चा, अब क्या रह गया केवल l निकालना। अगर मैं l और कैलकुलेट कर लूं तो मेरी रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगी। बिफोर दैट l, व्हाट इज द प्रोसीजर टू कैलकुलेट द l, l इज नथिंग बट आल्सो द डिस्टेंस बिटवीन टू लेग्स ऑफ अ स्फेरोमीटर। दो लेग्स के बीच की डिस्टेंस है स्फेरोमीटर की। क्या करेंगे, इस स्फेरोमीटर को एक पेपर पे हम प्रेस कर देंगे, स्फेरोमीटर को एक पेपर पे हम लोग प्रेस कर देंगे, सो दैट ये लेग्स अपनी इंप्रेशन छोड़ दें, सो दैट ये लेग्स अपनी इंप्रेशन छोड़ दें। और अब स्केल की हेल्प से तुम लोग इसको तीनों को मिला लेना लाइक दिस, एंड देर इज अ ट्राइंगल फॉर्म्ड, देर इज अ ट्राइंगल फॉर्म्ड। से दिस ब्रांच एज ए बी, दिस ब्रांच एज बी सी एंड दिस ब्रांच एज सी ए। और तीनों को स्केल से मेजर करके जब हम उसका मीन निकालेंगे दैट इज द वैल्यू ऑफ एल। तो ए बी, बी सी और सी ए तीनों को कैलकुलेट करके हमने जब उसका मीन निकाला तो वो वैल्यू आ गई एल की, और तीन एच की रीडिंग लेकर उसका मीन निकालकर वैल्यू आ गई थी एच की। और जब एल की और एच की दोनों वैल्यू हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। नाउ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, बहुत सारे बच्चे बेसिकली यूज में नहीं है बट हमें पता होना चाहिए हाउ वी कैन कैलकुलेट द लीस्ट काउंट ऑफ
दिस डिवाइस। देखो लीस्ट काउंट कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, सबसे पहले आप नंबर ऑफ डिवीजन ऑन लीनियर स्केल देखो, सबसे छोटा डिवीजन लीनियर स्केल पे कितना है 1 mm, लीनियर स्केल का सबसे छोटा डिवीजन कितना है 1 mm, ये वाला सबसे छोटा डिवीजन लीनियर स्केल का कितना है बेटा 1 mm। मैं तुम्हें केवल लिस्ट काउंट निकालना सिखा रहा हूँ, तुम्हें पता होना चाहिए कि हमने स्फेरोमीटर का लिस्ट काउंट निकाला है। नंबर ऑफ फुल स्केल लोकेशन गिवन, हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इस लीनियर स्केल के जीरो को सर्कुलर स्केल के जीरो के साथ कॉन्साइड कराया। कैसे कॉन्साइड कराएंगे मैं बताता हूँ, दिखाता हूँ तुम लोगों को। जिस पॉइंट पे ये प्लेनर सरफेस को एग्जैक्टली टच करेगा वहां तुम चेक कर सकते हो कि इस जीरो के साथ ये जीरो एग्जैक्टली कॉन्साइड हो रहा है। अगर ऐसा ना होता, जीरो जीरो को कॉन्साइड नहीं करता, तो इसमें होती जीरो एरर। क्या होती इसमें जीरो एरर? जीरो एरर भी दो तरह की होती है, एक होती है पॉजिटिव जीरो एरर, एक होती है निगेटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर तब होती है जब सर्कुलर स्केल की जीरो लीनियर स्केल की जीरो के ऊपर लाई करती है। निगेटिव जीरो एरर तब होती है जब सर्कुलर स्केल की जीरो लीनियर स्केल की जीरो के नीचे लाई करती है। लेकिन फिलहाल मेरी डिवाइस में कोई जीरो एरर नहीं, तो मैंने क्या किया, इस इनिशियल पोजीशन से जब जीरो कॉन्साइड कर रही है 5 रोटेशन दी, 1, 2, 3, 4, 5, 5 बार जीरो को वापस यहां पर लेकर आए, 5 रोटेशन दी। और 5 रोटेशन पे मैंने चेक किया कि लीनियर स्केल पे जो मूवमेंट हुआ नीचे की तरफ वो भी कितना हुआ, 5 सेंटीमीटर का। दैट मींस नंबर ऑफ फुल रोटेशन गिविंग टू जीरो इज 5 एंड डिस्टेंस मूव ऑन बाय टू इज 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लीनियर स्केल पर नीचे मूव किया, अगर ऊपर की तरफ मूव कराते अपोजिट डायरेक्शन ऊपर मूव करता, और 5 रोटेशन दी थी। अगर डिस्टेंस ट्रेवल को नंबर ऑफ रोटेशन से डिवाइड कर दे तो एक नया पैरामीटर निकल कर आता है जिसको बोलते हैं पिच, जिसको बोलते हैं पिच। और लीस्ट काउंट निकालने का मेरा फॉर्मूला होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। पिच कितनी है बेटा 1 mm एंड नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल इज 100, सो दैट यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लीस्ट काउंट इज 0.01 mm, और यू कैन से दैट 0.001 सेंटीमीटर। इस पिच पी की वैल्यू और लीस्ट काउंट की वैल्यू हम लोग यूज करते हैं जब हम लोग ने कैलकुलेट की थी वैल्यू ऑफ एच। एच के फॉर्मूले में आता है n1 into p x into lc। n1 क्या है, नंबर ऑफ कंप्लीट रोटेशन, वो तो जीरो थे इसलिए पिच की वैल्यू रखनी नहीं पड़ी हमें। लेकिन अगर x into lc करेंगे, x क्या होता है, a और b का डिफरेंस, ये और लीस्ट काउंट हमने यहां से कैलकुलेट किया 0.01। आई होप समझ में आ गया होगा प्रॉपर तरीके से। एच कैलकुलेट करेंगे वर्टिकल हाइट, लेंथ कैलकुलेट करेंगे दो लेग्स के बीच की, और दोनों वैल्यूज को पुट करके रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल लेंगे, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन 6h प्लस h बाई 2। ठीक है, क्लियर बच्चा, एक बार पूरा स्क्रीनशॉट दे देते हैं आप देख लो। थैंक यू।